एक कपल को शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ। वे बहुत ही प्रेमी कपल थे और उनका लड़का उनकी आंखों का तारा था। एक सुबह जब वह लड़का तकरीबन 2 साल का था, पति ने एक दवाई की बोतल खुली देखी। उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने को कहा। लड़के की मम्मी रसोई घर में तलाकीन थी, वो ये बात पूरी तरह भूल गई थी। लड़के ने वो बोतल देखी और खोलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल का कलर उसे मोह लिया था, इसलिए उसने उसमें की दवाई पूरी पी ली थी। उस दवाई के छोटे से बच्चों की छोटी सी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी। जब वह लड़का नीचे गिरा, तब उसकी मम्मी ने उसे जल्द से जल्द दवाखाने ले गई, जहाँ उसकी मौत हो गई। उसकी मम्मी पूरी तरह हैरान हो गई थी कि वह भयभीत हो गई थी कि कैसे वह अब अपने पति का सामना करेगी। जब लड़के के परेशान पिता दवाखाने आए तो उन्होंने अपने बेटे को मिल पाया और अपनी पत्नी और देखते हुए सिर्फ 4 शब्द कहे। आपको क्या लगता है कौन से होंगे वो 4 शब्द? पति ने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का अनअपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का मर चुका था, वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता और वो उसकी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता। इसके अलावा आगे उसने खुद वो बोतल उठा के बाजू में रख दी होती, आज उसके साथ यह सब ना होता। वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता। उसकी पत्नी ने भी उनका इकलौता बेटा खो दिया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति की सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी और यही उसके पति ने उस समय उसे दिया। कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर लेते हैं कि परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ या जिन लोगों को हम जानते हैं उस सभी के साथ होता है। और परिस्थिति की आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में जो आसान है उसे प्रेम करो। आपके पास अभी जो है उसे जमा करो और अपनी तकलीफ को विचार कर बढ़ाने की बजाय उन्हें भूल जाओ। उन सभी चीज़ों का सामना करो जो आपको अभी मुश्किल लगते हैं या जिन्हें आपको डर लगता है। सामना करने के बाद आप देखोगे कि वो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे थे। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों की परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए।